केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर से आज एक विजय संकल्प यात्रा निकाली जो अंत में एक जनसभा के रूप में तब्दील हो गई। और इस जनसभा में भाषण देते हुए अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं अनुराग ठाकुर से उनके विजय संकल्प यात्रा को लेकर खास बातचीत की हिमाचल से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश राय ने। सर, आज जो जनसभा हुई है जबरदस्त, क्या कहेंगे सर? जनता का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इतिहास रचा है, रोड शो का भी, अब 1 तारीख को वोट का भी इतिहास रचेंगे और 4 तारीख को जीत का इतिहास रचेंगे। 5वीं बार आप सांसद अगर कहा जाए लड़ रहे हैं और संभावना भी है कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा पिछला, अब क्या मुद्दे हैं हिमाचल के जो कि लोगों को लेकर बीच जाएंगे? मोदी जी के मन में हिमाचल बसता है, हिमाचल वालों के लिए मोदी जी घर वाले, और ये प्रेम मोदी जी का जो है इसके कारण हिमाचल का चौमुखी विकास हुआ और आगे भी विकास के नए आयाम हम स्थापित करेंगे, मोदी जी की सरकार में करेंगे। केंद्रीय मंत्री के रूप में आपने जो हिमाचल में कार्य किए हैं और जिस तरह से कांग्रेस सरकार को आपने हिमाचल में अगर देखा जाए टारगेट पर लिया है, जो वादे नहीं पूरे किए उन्होंने, क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस कहकर करती नहीं है, ठगती है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, और हिमाचल की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है क्योंकि कांग्रेस की गारंटियां फेल हो चुकी हैं, कांग्रेस की सरकार भी फेल हो चुकी है। 9 विधायक का जो चुनाव होने वाला है, आज आपने दावा किया कि सरकार बनने जा रही है और जयराम जी को ही सीएम बनाएंगे आप। देखिए, 9 में से अभी 6 का ही चुनाव हो रहा है और मैंने कहा 4 लोकसभा का भी लगाएंगे, 6 विधानसभा का भी लगाएंगे। एक आखिरी सवाल है, जो कांग्रेस जिस तरह से पीएम मोदी पर और 400 के पार के नारे का मजाक बना रही है, उस पर क्या कहेंगे? कुछ समय बाद कांग्रेस का मजाक उड़ेगा जब हैट्रिक लगा के नरेंद्र मोदी फिर देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, अनुराग ठाकुर जी इनका कहना है कि इस बार पीएम मोदी हैट्रिक लगाएंगे और जो मजाक कांग्रेस उड़ा रही है आने वाले वक्त में कांग्रेस का मजाक उड़ेगा, ऐसा कहना है। और उनका कहना है कि जो 6 उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें जीतकर और हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार अपना पूरा बहुमत के साथ बनाने का वो काम करेगा। हमीरपुर से कैमरामैन स्वास्तिक के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।